कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनजीर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज लंच में कुछ सिंपल और हेल्दी खाने का दिल कर रहा है और आप में से काफी व्यूअर्स ने वेज रेसिपी की रिक्वेस्ट भी की है, तो चलिए आज मिक्स वेज बनाते हैं जो मेरी फेवरेट भी है और शायद इसे बनाने के बाद ये आपकी भी फेवरेट हो जाए। जिसका बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है और मज़े की बात तो ये है कि बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं। हमने एक नॉनस्टिक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। उसमें हम 1.5 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर रहे हैं, अखा ज़ीरा। साथ में हम ऐड करेंगे 2 हरी मिर्ची जिसे हमने इस तरह से स्लिट कर लिया है। हमने 100 ग्राम फ्रेंच बीन्स, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 3 छोटे आलू, 1 गाजर, 2 छोटे टमाटर और 150 ग्राम कॉलीफ्लावर ले लिया है, गोभी का फूल। ये सबको भी ऑयल में डाल देंगे हम। हमने तमाम सब्जियां पैन में डाल दी हैं, हमने सिर्फ कैप्सिकम को ऐड नहीं किया है। कैप्सिकम को हम लास्ट में ऐड करेंगे। फ्लेम को हमने हाई किया है, हम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। ये सब्जी बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, लेकिन मज़े की बात तो ये है कि ये जितनी सिंपल है उतनी ही टेस्टी है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और कलरफुल दिख रही है सब्जियाँ। 7 से 8 मिनट हो गए हैं हाई फ्लेम पर सब्जियों को फ्राई करते। आप देख सकते हैं कि सब्जियाँ काफ़ी हद तक गल गई हैं और टमाटर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। हम अब फ्लेम को लो कर देंगे। हम इसमें 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, थोड़ा नमक। सारी चीज़ों को फ्लेम को लो रख के हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिला लिया है। हम इसमें बस 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं। फ्लेम को हाई करके हम अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे, तमाम चीज़ें भून लेंगे। अच्छी तरह से हमने मसालों को भून लिया है, मसालों का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। हमने इसमें तकरीबन 1 कप पानी ऐड किया है। फ्लेम को हमने अभी हाई रखा है। इसमें अच्छी तरह से बॉईल आ रहा है। हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। हमने 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च यूज़ की है कट करके। हम इसे बाद में ऐड करते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाती है। साथ में हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से एक बार सब चीज़ों को मिला लेंगे। हम इसे कवर करके 5 से 7 मिनट पकने देंगे लो फ्लेम पर, ताकि तमाम सब्जियां अच्छी तरह से गल जाए। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं सब्जियों को पकाते। हमने एक बार बीच में चेक किया था और थोड़ा सा और पानी ऐड करके इसे वापस से पकने के लिए रख दिया था। सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से पक गई है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे। इस पर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। हम अब इसे सर्व करते हैं।
दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ मेरे फेवरेट लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट मेन्यूज शेयर करूं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखकर बताएं।